हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप बताने जा रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आजकल ये ऑफ शोल्डर बहुत फैशन में है और ये क्रॉप टॉप ब्लाउज़ और टॉप में बहुत आ रहा है, तो इस दिवाली आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। तो आइए शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर और इसके साथ मैंने जो मेन ब्लाउज पीस है वो भी 80 सेंटीमीटर लिया है और उसके साथ हम जो बेल्ट लगाएंगे राउंड में उसके लिए ये मैचिंग का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अपने अस्तर के कपड़े पर उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। लेंथ यहाँ पर है 15 इंच, ये क्रॉप टॉप है तो इसे मैं थोड़ा सा लंबा बनाऊंगी, और चेस्ट है यहाँ पर 34 इंच, इसकी जो कमर है वो है 28 इंच, शोल्डर इसमें यहाँ पर 14 है और शोल्डर राउंड है 36। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको पिक में दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको इसका मेजरमेंट लेना है और बिल्कुल आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेना है जिससे कि पहनने में आपको इसकी फिटिंग बिल्कुल ठीक आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, लाइनिंग के कपड़े को आपको 4 फोल्ड रखना है और इसका जो नाप मैंने लिया है वो आपका जो चेस्ट का 4th पार्ट है उसमें 2 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पर ये फोल्ड किया है और उतना ही कपड़ा हम यहाँ फोल्ड करेंगे जिससे कि हमारा बाकी का जो कपड़ा है वो एक जैसा बच जाए। और लेंथ देखिए, यहाँ पर मुझे 15 बनानी है तो 16 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी और इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो देखिए, ये 4 फोल्ड कपड़ा मेरे पास आ गया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे क्रॉप टॉप के लिए। तो शोल्डर आपके हैं 14, जितने शोल्डर हैं आपको पूरे लेने हैं, उसके हाफ मैं 7 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ और इसमें हम 1/2 इंच जॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ इस तरह से 7.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। और आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच। इसके बाद आपको निशान लगाना है चेस्ट के लिए, तो चेस्ट का 4th पार्ट है 8.5 के बाद मैं इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये निशान लग गए हैं और इसे हम सीधा नीचे मिला देंगे। आपको यहाँ पर अभी तिरछा नहीं करना है, पूरा जो नाप है वैसा स्ट्रेट नीचे मिला देना है। अब हम इसकी वेस्ट देख लेते हैं। तो वेस्ट है 28 इंच और उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। तो देखिए, 7 इंच पर निशान लगाने के बाद और ये जो मार्जिन है इसके बीच में जो ये बचा हुआ कपड़ा है ये है 1.25 इंच, तो इतनी ही हम यहाँ पर डार्ट लगा देंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और अब हम निशान लगा रहे हैं आर्म होल के लिए। तो देखिए, आर्म होल के लिए एक शेप आपको कर्व में लगाना है। अब हम ऊपर से 2 इंच पर एक निशान लेंगे, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए, ये क्रॉप टॉप का मैंने एक पिक बनाया है और ये जो राउंड है ये आप ले चुके हैं 36 इंच। अब आपको ध्यान देना है कि शोल्डर कंधे से नीचे आप कितना डाउन पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 इंच, कंधे से नीचे की साइड मैं सिर्फ 2 इंच ले रही हूँ, जो बनने के बाद हो जाएगा 3 इंच। तो देखिए, यहाँ ऊपर से मैंने 2 इंच पर एक निशान लगाया है और उसके बाद हम यहाँ नेक के लिए ड्रॉ करेंगे। तो नेक में ले रही हूँ 4 इंच पर, आप 3 इंच पर भी ले सकते हैं। और ये निशान लेने के बाद हम इसे जो शोल्डर पर निशान लिया है उससे मिला देंगे। अब देखिए, ये मिलाने के बाद आपने जो शोल्डर राउंड लिया था वो आया था 36 इंच, तो आपको 36 का 4th पार्ट लेना है यानी 9 इंच। तो हम यहाँ से इस तरह रखेंगे और 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इसे मैं हल्का सा कर्व कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे इस तरह ट्रायंगल में भी बना सकते हैं। और उसके बाद मैं डार्ट के लिए निशान लगाऊंगी, तो ये 34 चेस्ट का है इसलिए मैंने यहाँ से 3.5 इंच लिया और ऊपर से मैंने यहाँ 10 इंच लिया है और इस तरह एक निशान बनाया है। और इसके जस्ट नीचे आपको 1.5 पर एक निशान लगाना है और वहाँ से पूरा स्ट्रेट नीचे एक लाइन हम खींच लेंगे। तो देखिए, यहाँ जो लाइन आई है यहाँ पर आपको जो हमारा ये 1.25 इंच बचा था वो 1.25 इंच का आपको यहाँ निशान लगाना है और इतने ही डार्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम कप लगाएंगे और नीचे जो डार्ट लग जाएगी तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस क्रॉप टॉप की पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी हम यहाँ से इसे पूरा कट नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो नेक का हमने निशान लगाया है
हम सिर्फ यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो लाइन मैंने 9 इंच तक लगाई है, इससे पहले मैं पूरी यहाँ तक ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन हमें नेक की जो पट्टी निकालनी है वो सिर्फ यहीं तक निकालनी है। तो देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ। तो अभी हम इसे एक साइड रखेंगे और अपना जो लाइनिंग का बचा हुआ कपड़ा है उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और 4 फोल्ड करने के बाद जो फोल्डेड साइड है वहाँ की साइड हम दोनों मैच करेंगे और इस तरह से इसे जमा कर रखेंगे। अब आपको जो नेक हमने कट किया था वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। और ध्यान दीजिए 9 इंच पर ही मैंने निशान लगाया था। और उसके बाद चूंकि ये फ्रंट और बैक के लिए अलग अलग पट्टियाँ हैं, हम इसे जॉइंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कितनी चौड़ी पट्टी लेनी है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 इंच की, जिससे कि ये बनने के बाद हो जाएगी 3 इंच की। तो इस तरह आप एक साइड से इंची टेप रखते जाएं और 4-4 इंच पर हम ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसे कॉर्नर पर स्ट्रेट कर देना है। तो ये पट्टियों का निशान आ गया है हमारे पास और ये डबल है देखिए फ्रंट और बैक की, तो एक साथ दोनों हम कट कर लेंगे। और देखिए ये इस तरह होगी, ये ज़्यादा कर्व में भी नहीं लेना है आपको, वरना पहनने में ये झोल आएगी। तो इसके बाद अब हम जो टॉप है उसकी बाकी कटिंग भी कर लेते हैं आर्म होल की। तो देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है और आर्म होल पर आपको कोई भी अलग से शेप नहीं लगानी है। और ये डार्ट का निशान आपको फ्रंट और बैक दोनों पीस में लगा लेने हैं। तो देखिए इस तरह से लाइनिंग की कटिंग हो गई है और ये पट्टी इसके ऊपर यहाँ इस तरह से जॉइंट होगी। तो अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर हम इस लाइनिंग के कपड़े को रखेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये पूरा ब्लाउज मेरा कट हो चुका है और अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक का पीस तैयार करती हूँ। तो देखिए एक एक पीस मैंने लिए हैं दोनों के और इसे मैंने एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखा है। और अब हमें सिर्फ आर्म होल पर और नीचे बॉटम की साइड सिलाई लगानी है और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं सिलाई यहाँ पर लगा चुकी हूँ। अब मैं आर्म होल पर हल्के हल्के कट लगाऊंगी क्योंकि ये कर्व में है। और कट लगाने के बाद आप इसे एक साइड से इस तरह से पलट लीजिए और यहाँ पर आप फ्रंट की सिलाई लगा लीजिए, जिससे ये बिल्कुल सही से शेप में आ जाएगा, या आप चाहें तो यहाँ प्रेस कर लें। तो अब हम बैक में डार्ट लगाएंगे और साथ ही इसे चारों तरफ से हम अटैच कर लेंगे, लाइनिंग के कपड़े और अस्तर के कपड़े को एक साथ। तो देखिए इस तरह ये बैक पीस तैयार हो गया है मेरा। और अब मैं फ्रंट का पीस रेडी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्रंट का पीस है, यहाँ लाइनिंग और मेन फैब्रिक के कपड़े में आपको डार्ट अलग अलग लगानी है क्योंकि हम यहाँ पर कप अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों कपड़ों में डार्ट लगा ली है और अब हम लाइनिंग के कपड़े में कप अटैच करेंगे। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि अगर आपका मेन फैब्रिक का कपड़ा पतला है तो आप एक अस्तर का कपड़ा पहले मेन फैब्रिक में अटैच कर लें और उसके बाद दूसरे अस्तर का कपड़ा सेम कट करें और उसमें आप कप अटैच करें। तो यहाँ देखिए मैं जो कप अटैच कर रही हूँ, मैं हमेशा जो साइज़ का ब्लाउज होता है उससे एक साइज़ बड़ा कप यूज करती हूँ, जिससे उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर जो मैं कप यूज़ कर रही हूँ वो मैंने 36 साइज़ के लिए हैं। तो आप इसे इस तरह से 4 फोल्ड कीजिए और इसका एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो इस पॉइंट पर हम अब कप अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ में जो हमने 10 इंच पर एक निशान लिया था वहाँ पर आपको इस कप को लगाना है। तो देखिए आप इसे इस तरह से पलट लिए और अंदर की जो साइड है उस पॉइंट को आपको सेंटर पॉइंट पर रखना है और यहाँ नीचे की साइड डार्ट की जो सिलाई है वहाँ पर आपको नीचे की साइड इतना हिस्सा सिलना है। तो मैं यहाँ पर इसे पिन से अटैच कर देती हूँ और देखिए जो मैंने चौक से निशान लगाया है वहाँ नीचे की साइड आपको सिलाई लगानी है। सेम दूसरा कप भी हम ये जो निशान है बीच का इसे लेंगे और जो कपड़े में निशान लिया था उस निशान पर इसे मैच करके एक पिन से इसे अटैच कर दें और बिल्कुल आपको डार्ट के ऊपर की साइड ही यहाँ पर इस तरह से इसको सिलना है। तो यहाँ पर मैं इसे सिल लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों को नीचे की साइड ये इस तरह सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है और अब ये वापस अपने जो शेप है उसमें कर लीजिए
और अब हम इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम मैं नीचे की साइड से इसे सिलाई करूँगी और आर्म होल की साइड से सिलाई करूँगी, जैसा कि मैंने बैक पीस तैयार किया था। और आप चाहें तो यहाँ पर अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड से सिलाई कर ली है और अब हम इसके आर्म होल पर हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे एक साइड से पूरा पलट लेंगे। और पलटने के बाद आप यहाँ पर प्रेस कर लें। देखिए जब भी हम कोई डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें आप हर पीस को अलग अलग प्रेस कर लें तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए प्रेस होने के बाद ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और अब हम इसे दोनों साइड से और ऊपर से भी सिलाई करके अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ये फ्रंट का पीस भी रेडी हो गया है। अब हम इसकी पट्टियाँ तैयार करेंगे। तो ये जो लाइनिंग की और मेन फैब्रिक की पट्टियाँ हैं इसे आप एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखें और साइड से तो आपको बिल्कुल हल्का हल्का दबाना है और नीचे की साइड से आप इसे अच्छे से ज्वाइन कर लें। तो यहाँ मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और अब हम इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो देखिए कट लगाने के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। तो ये पलटने के बाद इस पर आप फिर से प्रेस कर लें जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से जम जाए और दोनों पीस हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये रेडी हो गई हैं पट्टियाँ। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज में। तो देखिए इस तरह से पहले हम पट्टी का एक सेंटर पॉइंट लेंगे और सेम तरीके से ब्लाउज के पीस में भी एक सेंटर पॉइंट लेंगे जिससे हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल सेंटर से अटैच हो। तो आपको इस पट्टी को इस तरह सीधा रखना है और उसके ऊपर इस ब्लाउज को सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद बिल्कुल अच्छे से जमा कर रखना है। और मैं इसे पिनअप कर देती हूँ और अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ सिलाई मैं लगा चुकी हूँ और अब यहाँ पर भी आप हल्के हल्के कट लगाएं और उसके बाद इसे आगे की साइड फोल्ड कर लें। तो देखिए जब हम इसे आगे की साइड पलटते हैं तो उसके बाद आप ध्यान दीजिए ये साइड से दोनों जो खुला हुआ हिस्सा आया है इसे हमें फोल्ड करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसे इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करके सिलाई कर दें और या आप इसे जो खुला हुआ हिस्सा है उसके दोनों सिरे अंदर की साइड फोल्ड करें, देखिए इस तरह से, और आप ऊपर से यहाँ पर एक सिलाई लगा दें। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद जब हम इसे पलटेंगे तो देखिए ये आगे की साइड से और पीछे की साइड से बिल्कुल क्लियर रहेगा और आपके ब्लाउज में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसी तरह से मैंने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं और अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप इन दोनों पट्टियों का एक सेंटर पॉइंट लें। मेरा जो राउंड था वो 36 था तो मैं यहाँ 9 इंच सेंटर में रहूँगी और 18 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड चौक से निशान लगा लिए हैं। और इस तरह जब हम पट्टियों को जॉइंट करते हैं तो अगर आपकी फिटिंग चेंज भी हो जाए तो आप इसे टाइट या लूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो सिलाई करने के बाद ये जो मार्जिन है इसे आप अंदर की साइड इस तरह से तुरपाई कर दें तो आपको ये पहनने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं देगा। तो देखिए ये पट्टियाँ तो मैंने अटैच कर ली हैं और अब हमने जो निशान लगाया था मार्जिन का, तो यहाँ देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से मैंने कमर का नाप लिया था 28 इंच, तो दोनों साइड मैंने 7-7 इंच पर निशान लगा लिया है। और इस तरह से आपको यहाँ सिलाई लगानी है, लेकिन हम सिर्फ एक साइड ही पक्की सिलाई लगाएंगे और एक साइड हम चेन लगाएंगे। तो जिस साइड हमें चेन लगानी है उस साइड आप आर्म होल से 2 इंच नीचे तक तो पक्की सिलाई करें और उसके बाद हम यहाँ पर बड़े टांके की कच्ची सिलाई करेंगे जिसे हम बाद में खोल सकें। तो इस तरह आप सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और अब हम चेन लगाएंगे। तो इसे आप इस तरह से खोलिए और हाथ से आप इसे प्रेस कर लीजिए। तो ये जो चेन है इसे मैंने पलट लिया है, सीधी साइड अंदर की साइड की है और यहाँ पर मैं इस तरह से बिल्कुल चेन के पास में सिलाई लगाऊंगी। ध्यान रहे चेन का जो बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल सिलाई के ऊपर आए, जो जॉइंट है उसके ऊपर आए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे इस साइड के कपड़े पर चेन को रखा और यहाँ से सिलाई लगा ली और फिर दूसरी साइड वाले मार्जिन पर रखा और यहाँ से चेन लगा ली
और अब हम इसमें जो हमने कच्चे टांके की सिलाई लगाई थी बड़े टांके की, उसे हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल इनविजिबल चेन लगेगी आपकी, ये देखिए। और अब ये जो नीचे की साइड जो मार्जिन है चेन का, उसे आपको इस तरह से ब्लाउज के मार्जिन के अंदर दबाकर फोल्ड कर देना है, और जो बचा हुआ ब्लाउज का मार्जिन है उसे भी हम वहाँ पर तुरपाई करके सिल देंगे। नीचे की साइड से भी आपका ब्लाउज बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, और आप चाहें तो इसे नीचे की साइड एक आई हुक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह ये ब्लाउज तैयार हो गया है। और अब हम इसकी जो राउंड की पट्टी है यहाँ पर एक लटकन वाली लेस लगाकर इसे और भी अच्छा डेकोरेट करेंगे। तो आपको कोई भी लेस लेनी है और इसके राउंड में एक साथ ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को जॉइंट कर चुके हैं। और यहाँ पर मैंने इसे लेस लगाकर और भी स्टाइलिश कर लिया है। इस ब्लाउज की मैंने आपको ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग तीनों बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस स्टाइलिश ब्लाउज को बनाएं और स्टाइलिश दिखें। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।